जब आप इस लाइन में आए म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो कौन आपको लेके आया इस लाइन पे? भाई सबसे बड़ा योगदान जिसका था था तो खैर योगदान मेरे पापा जी के हर चीज में। पापा जी। जी पहले से चाहते थे कि मतलब आगे इन चीजों में लिकड़, पर भाई सबसे बड़ा योगदान भाई अजय जाट का है, लड़का है भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू एपिसोड। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीरपू इंदू व्लॉग्स। तो आज मैं आपको जिनसे मिलाने वाला हूँ, एक म्यूजिक इंडस्ट्रीज के बहुत बुलंदी सितारे हैं, तो मैं उनसे आपको इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। तो शिवा भाई, कैसे हो आप? बढ़िया भाई बढ़िया। तो ये हमारे शिवा भाई हैं, और काफी ज्यादा आज के टाइम पे म्यूजिक इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। अभी फिलहाल अभी काफी गाने हैं जो सुपर डुपर हिट जा चुके हैं, तो हम खुद उनसे ही जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, और गाने अपने किस तरीके से वो रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से शूटिंग उनकी हो पाती है, और क्या क्या फैमिली से सपोर्ट है, फ्रेंड का सपोर्ट है, तो सारी चीजें आज हम उनसे जानने वाले हैं। तो शिवा भाई, सबसे पहले आप अपना एड्रेस बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हो? भाई मैं गांव बंथला से हूँ। गांव बंथला से, जो लोनी हाँ भाई गाजियाबाद। लोनी जिला गाजियाबाद। तो भाई बंथला गांव है और जिला गाजियाबाद। तो शिवा भाई, सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, आपका सपोर्ट कैसा रहा था? फैमिली का सपोर्ट आपके, मतलब जो भाई आपने म्यूजिक इंडस्ट्रीज में आए तो सपोर्ट कैसा था भाई शुरू फैमिली का तो भाई मैं कह रहा हूँ एक तरफा सपोर्ट है, कभी मतलब किसी चीज को मना है ही ना, ना तो है ही ना। हाँ यहाँ सब चीज की, और भाई सब में बड़ा शौक है मेरे पापा जी का भाई, पापा जी का, दादाजी का, मेरे चाचा एक्सपायर हो गए भाई, मतलब हर चीज में सपोर्ट रही है। पहली तो फैमिली थे भाई, जी? चाचा भी थे मेरे, बाप जैसे ही एक तरफा सपोर्ट रखते हैं हर चीज में। जी। तो शिवा भाई, जब आप इस लाइन में आए म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो कौन आपको लेके आया इस लाइन पे? भाई सबसे बड़ा योगदान जिसका था था तो खैर योगदान मेरे पापा जी के हर चीज में। पापा जी। जी पहले तो चाहते थे कि मतलब आगे इन चीजों में लिकड़, पर भाई सबसे बड़ा योगदान भाई अजय जाट का है, लड़का है भाई, जी अपना भाई है खैर खास, जो मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर आया, जी उसी की सर वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि अगर शायद उसका कांटेक्ट ना होता, मैं यहाँ पे भी ना होता, जी जो आज मेरे गाने चल रहे हैं भाई, लड़का सारा क्रेडिट भाई मैं अजय जाट को दूंगा अपना। जी तो शिवा भाई, जैसे आपने फैमिली का सपोर्ट था, तो फिर मतलब जैसे आपने खुद की अपना रिकॉर्ड किया, तो सबसे पहले आप अपने गाने का नाम बता दो एक बार, कौन से आपके गाने सबसे सुपर डुपर हिट है जो ट्रेंडिंग में रह चुके हैं? भाई सब में ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है मेरा यूपी एंथम, जो कि आज भी ट्रेंडिंग में है, इंस्टा पे 2.5-3 लाख रील बन गई उस गाने पे, तो जी आज भी ट्रेंडिंग में चल रहा गाना मेरा। बाकी मेरा यार दारू पाज गाना है, बढ़िया ट्रेंडिंग में है वो भी, जी काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने रील बनाई है यार दारू पाज पे, कि जी मुजफ्फरनगर वाला यार बदमाश, उसकी लाइन वायरल हुई थी मेरे गाने की। जी जी तो शिवा भाई, आप YouTube चैनल अपना खुद का चलाते हो या मतलब क्या भाई करते हो? अपना है सब चीज, अपना है, तो अपना है एक बार YouTube चैनल का नाम बताओगे दर्शकों को? शिवा जाट रिकॉर्ड्स के नाम, तो भाई मेरा चैनल है YouTube पे जाओ और शिवा शिवा जाट रिकॉर्डर के नाम से रिकॉर्ड्स चैनल, रिपोर्ट्स चैनल, शिवा जाट शिवा जाट रिपोर्ट्स रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स चैनल, तो वहां पे जाओ और भाई के गाने जितने भी हैं आपको सारे गाने वहां पे मिलेंगे। और मैं गाने सुन के ही शिवा भाई से कांटेक्ट कर पाए हैं, क्योंकि गाने इतने बढ़िया हैं, आप अगर सुनोगे तो बहुत अच्छा आपका मनोरंजन हो जाएगा। तो शिवा भाई, फैमिली में कौन कौन है आपकी? भाई फैमिली में पापा जी हैं, बहन है मेरी बड़ी, और क्या नाम मम्मी है, और बाकी अपने चाचा मतलब मेरे एक्सपायर हो गए, बाकी चाचा की फैमिली है, भाई है मेरे, अभी एक साथ ही रहते हो? साथ ही है भाई। चलो बहुत अच्छा। तो शिवा भाई, आप जब इस म्यूजिक इंडस्ट्रीज में आए, तो आने के बाद सबसे पहले आपने कौन सा गाना था जो आपका मतलब दिल से लगता है कि हाँ ये गाना बड़ा अच्छा है मेरा? भाई यूपी कौन सा एंथम है अच्छा? मेरा, यूपी एंथम, यूपी एंथम वो भाई दिल पे बिल्कुल करती। बिल्कुल। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, उस गाने से पता ना कितने यूपी के राजा बना रखे मैंने, यूपी के राजा वाली ही लाइन वायरल थी उसकी, जी जी यूपीएससी लेके रानी, हम यूपी के राजा। कुछ हो, एक एक डायलॉग और सुनाओ कोई अपना अच्छा सा गाने का, जो मतलब हमारे दर्शक को चेहरे होठों पे लाइन हो वो आपके गाने की। भाई यही है, यूपीएससी लेके रानी, हम यूपी के राजा, मिलना है तो बेटा यूपी में आ जा। ये भाई, ये लाइन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रही है इंस्टाग्राम पे। 2.5-3 लाख रील है भाई, बड़े तो बड़े सेलिब्रिटी ने इस गाने पे रील बना रखी है। हाँ। तो शिवा भाई, शादी हो गई आपकी? भाई कोई डायलॉग हो आपका अच्छा सा फेमस? हाँ भाई मेरा क्या नाम है, गाना इस चीज का वायरल हुआ था, मेरी माई ने 4 साल मंगा आराम से, मैं जब जन्मा तो पित्तल की बारिश हुई, तो भाई जो मेरा सॉन्ग था ना, मैंने अपने सॉन्ग की छोटी सी क्लिप इंस्टाग्राम पे घेर दी थी, वो मेरा सॉन्ग इसी चीज से वायरल हुआ था, उस पर 50-60 हजार रील बनी थी, और आज भी है। तो भाई इंस्टाग्राम का नाम बताओ अपने चैनल का, जो इंस्टाग्राम का चैनल आपका शिवा जाट ऑफिशियल्स। शिवा जाट ऑफिशियल्स। तो भाई जाके, सब जाके भाई, जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं सब जाओ और भाई को फॉलो करो, और रील जरूर बनाए भाई की डायलॉग्स पे। तो शिवा भाई,
शादी हो गई आपकी? ना भाई अभी शादी नहीं हुई है। तो कोई गर्लफ्रेंड? ना भाई कोई, मतलब फिलहाल में तो कोई ना है, पर हाँ स्कूल टाइम में दोस्त बनी ही, मतलब दोस्त से थोड़ा ऊपर, नहीं दोस्त थे भाई, लड़की दोस्त रही है स्कूल टाइम में, कोई गर्लफ्रेंड मतलब ऐसे नहीं, मतलब रिलेशनशिप नहीं, दोस्त रही है। तो स्कूल का काम करवा ले करें भाई। तो मतलब स्कूल का काम, मतलब पढ़ाई वढ़ाई में, मतलब ऐसे ही फिर तो मुझे लगता है पढ़ाई में ठीक है भाई, मतलब इतने भी गहरे नहीं पर नॉर्मल है। तो भाई शिव भाई स्कूल लाइफ कैसी थी आपकी? भाई स्कूल लाइफ तो खतरनाक वाली। खतरनाक वाली मतलब थोड़ा बताओ फिर भी, खतरनाक कैसे? भाई अपना भाइयों की सपोर्ट रह रही पढ़ाई में, तो क्लास विलास के मॉनिटर, मतलब स्कूल के राजा नहीं है भाई। अपना 8-10 भाई हम गैल के, सारे एक ही क्लास में है, और 4 भाई खास है मेरे जो मेरी गैली रह करे, दीपक चिराग आशीष। तो भाई हम पहले तो ही साथ रहते आए हैं। तो शिव भाई ये आप म्यूजिक इंडस्ट्रीज में आयो और भाई एक्टर हैं, अपने सॉन्ग्स में प्रोड्यूस भी करते हैं और एक्टिंग भी खुद ही करते हैं। तो शिव भाई जब आपने स्टार्ट किया तो मतलब क्या मन में आया कि भाई मुझे गाने गाने चाहिए, मतलब मुझे एक म्यूजिक बनाना चाहिए, या मतलब गाने मुझे प्रोड्यूसर करने चाहिए, मतलब क्या? भाई मेरी स्टार्टिंग हुई थी भाई, मैं अपना यूपी बड़ौत बागपत साइड में भाई, मैं शायरी तो स्टार्ट करी थी, मतलब इंस्टाग्राम पे पहले फोन में वीडियो वगैरह बना लिया करा, डायलॉग वगैरह की, फिर मैं शायरी वायरी बना लगा। तो मैं अपना वेस्ट यूपी में गए, वीडियो पीडियो तो इनते चालू करा मामला भाई, गानों पर पहुंच गए। राग का तो बहुत तकड़ा प्लान है, मतलब ये तो कुछ भी लेवल मानते ही अपने यार भाई, बहुत ऊपर जाना है। तो भाई बताओ हमारे दर्शकों क्या प्लान है, क्या माइंड में है? भाई बहुत, मतलब एक अभी तो स्टार्टिंग मान लो मेरी स्टार्टिंग है भाई, बॉलीवुड तक की सोच रखी है, और भाई मौका मिला तो बिग बॉस वगैरह किसी को नहीं छोड़ दूंगा। चलो भाई हम तो उम्मीद करते हैं आप जो चाह रहे हो वो सब आपको मिले, पर लेकिन जो आप फिलहाल हो, आज भी आप सेलिब्रिटी बन चुके हो फिलहाल भी, तो शिव भाई ये शूटिंग वगैरह आप जैसे मतलब लोकेशन कैसे करते हो कि भाई इस लोकेशन में शूट करना है, तो मतलब ये सब चीजें कैसे करते हो, थोड़ा मैनेज बताओ ना अभी थोड़ा सा इसके बारे में भी। भाई अपनी भाईचारे में हर चीज हो जा, मतलब अपना भाई डायरेक्टर है हमारा शक्ति मस्ताना, लुक का भाई, हमारे लुक का भाई भी बहुत बड़े डायरेक्टर है, जिस मतलब आजकल जितने भी यूपी में जाते हैं टॉप के गाने हैं ना भाई, हमारे लुक का भाई मिलेंगे। बाकी अपनी म्यूजिक टोनी टीम तो यूपी पर आज कर ही रही है। म्यूजिक टोनी टीम भाई इनका मतलब स्टूडियो खुद की है? हाँ भाई टोनी भाई हमारे, उनका अच्छा अपना खुद का है। अच्छा खुद का है स्टूडियो, तो मतलब एडिटिंग वगैरह सब अपने आप ही होती होंगी गानों की? हाँ भाई बंटी भाई हमारे, टोनी भाई के जो छोटे भैया, वे भाई हमारे गाने वगैरह एडिट करते हैं। तो शिव भाई सबसे एक मन में रहता है सबके क्वेश्चन कि भाई मतलब जैसे चलता है, मतलब एक पब्लिक में बात चलती है कि भाई कितना पैसे कमा लेते हैं गाने से, या मतलब थोड़ा होता है जब हम आप गांव से हो, थोड़ा होता है यार तो वीडियो बनाता रहता है, इससे कुछ नहीं मिलेगा, तो मतलब ऐसा हुआ कभी आपके साथ? हाँ भाई देखो मैं बताऊँ भाई, शुरू में अपनी ओर तो हमें खर्च करना पड़े है, देखो अपने बिना तो कुछ भी ना है भाई, उतार चढ़ाव भी चढ़े हर चीज में, बिजनेस कुछ भी कोई भी बिजनेस करोगे भाई उतार चढ़ाव भी होगा भाई, आज नुकसान है कल को फायदा भी होगा। तो बिल्कुल, और ये इंडस्ट्री भाई ऐसी है इसमें फायदा मत सोचो, बस काम करो, काम करो, मेहनत करनी है भाई इस काम में, फायदा मत सोचो, जिसने फायदा सोच लिया खत्म है मामला, पैसे के पीछे भगो ही मत ना कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, इस लाइन में पैसे के पीछे तो भाई भगना ही नहीं है। तो भाई शौक है अपना बस, है ना? शौक है भाई, और शौक में आया भाई, बस लत लग गई। हाँ हाँ, शौक के लिए गाना बनाया, लत लग गई। तो लत तो कुछ ऐसा हो जाता है कि अपने भाइयों को सब गाने पसंद आ गए, तो अब वैसे भी उनके लिए अच्छे अच्छे, क्योंकि मनोरंजन अच्छा होता है गानों से, क्योंकि भाई कई जी गए स्वागत वगैरह हुए बढ़िया बढ़िया अपना बुलंदशहर और हरियाणा में, भाई अपनी यूपी में बड़ी मतलब स्वागत वगैरह से भाई मुझे बहुत मतलब मोटिवेशन मिला इस चीज जो था, कि भाई अपना समाज मेरा जाट समाज मतलब 36 बिरादरी का साथ मिला, मैं नहीं कहूँ भाई, जो मेरा गाना वायरल करवाया 36 बिरादरी ने करवाया भाई, गुज्जर त्यागी जाट ब्राह्मण भाई मतलब यादव सब जाति से सपोर्ट मिली भाई हमें। तो शिव भाई अब कोई नया गाना हो, रिकॉर्ड हो रहा हो भाई? मेरा कली गाना आया है, मेरा बब्बर शेर गाना आया, मेरा नया बब्बर शेर कली नया गाना है, जिसके सिंगर है हरिंदर नागर जी सिंगर है, और कल मैं खुद हूँ गाने का ओनर मैं खुद हूँ। तो सारे जितने भी गाने भाई के, शिव भाई के गाने हैं, सारे को वो प्रोड्यूस भी करते हैं, रिकॉर्ड भी कराते हैं, बस वो गाते नहीं है, गाते थोड़ी भाई ना भाई, गाते मतलब सिंगिंग नहीं करते, सिंगिंग करवाते हैं, पर लेकिन बाकी सब चीजें खुद ही करते हैं। सिंगर हूँ पर भाई आज तक अपनी आवाज में गाना मैंने नहीं निकाला, मैं कहूँ मैंने नहीं निकाला।
थोड़ा सा गा के दिखाऊंगा फिर आज सबको दिखाओ आवाज अपनी थोड़ा सा आज। तो भाई फिलहाल में चलो मैं एक गाना अपना बताता हूँ। तो अभी मेरा फिलहाल में गाना अपने जाट समाज के ऊपर मैं गाना लेकर आ रहा हूँ, एकता के ऊपर है, क्योंकि भाई चाहे मतलब जाट समाज ही नहीं कोई भी जाति हो, हर जाति में आजकल आपस में भाई भाई मतलब जाट ही जाट से जल रहा है या त्यागी त्यागी से जल रहा है, गुज्जर ही गुज्जर से जल रहा है, हर जाति में भाई ये बिल्कुल। दूसरा आदमी किसी कौम को नहीं मार सकता, अपने आदमी अपने को खा रहा है। तो मैं उस चीज के ऊपर अपना एक गाना निकाल रहा हूँ। ओ कभी कभी मेरे मन में भी घनी उदासी छा जावे, ओ कभी कभी मेरे मन में भी घनी उदासी छा जावे, मेरा जीवन सफल यू हो जा जो मेरे कुल में एकता आ जावे, मेरा जीवन सफल यू हो जा जो मेरी जात एकता में आ जावे। तो भाई गाना बड़ा अच्छा है, तो अपने दर्शकों इसकी एक दो लाइन और है जी सुनाओ। एक ही माँ के जाए हम क्यों गोतो में तू बाट रहा, जाट जाट ते वेर करे क्यों गड़ा जाट का काट रहा, अपनी ही माँ की हुकूक सुननी तने कूना वेरा पाट रहा। तो बड़ी अच्छी लाइन है आपकी। तो सेवाए कब तक गाना जाएगा ये? ये भाई थोड़ा टाइम लगेगा इसके में, मतलब शूटिंग की प्लानिंग बना रहा हूँ मैं कि मतलब कुछ अलग हटसे करके दिखाना है मुझे अपना कुछ गांव देहात से का इसमें। बिल्कुल। तो अभी गाना मतलब लिख चुके हैं, अभी शूट नहीं हुआ तो अभी थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई बल्कि एक दो दिन में स्टूडियो जाकर इस गाने की रिकॉर्डिंग करेंगे। बिल्कुल, पर बहुत जल्दी आऊंगा गाना। तो मेरे सभी भाइयों को हाथ जोड़ का निवेदन है, भैया का गाना बिल्कुल एकदम फैला देना है गति, क्योंकि गाना इतना बढ़िया है। आपने लाइनें सुनी होंगी, कितनी अच्छी लाइनें हैं। एक लाइन और सुनो भाई इसकी, एक लाइन और सुना रहे हैं अभी सुनो अपने नाम से, मतलब जो मेरे समय नाम की लाइन है। जी जी। सिवा जाट उमर हयानी बंथला मेरा ठिकाना है, जाट को मैं लाऊं एकता गाना गुणा बहाना है। कितनी अच्छी लाइन है भाई, सबसे अच्छी लाइन आपकी मुझे यही लगी, जाट एकता लानी है गाना गुणा बहाना है। तो भाई, भाई अपने गांव में बहुत छोटी उम्र में मैं इस चीज में क्लियर लिख रहा हूँ वाकई में, और भाई अपने गांव का बहुत दूर दूर तक नाम करूंगा भाई, सोच रखी है भाई। हम चाहते भी ऐसे हैं आपका नाम हो, आप थोड़ा इसमें और भी ज्यादा आगे बढ़े, क्योंकि सपने देख रखे हैं आपने, वो आपके पूरे हो, आपकी ख्वाहिश है बॉलीवुड जाना, आपने बताया जैसे बिग बॉस भी आपको खेलना है। सो तो हम तो चाहते हैं, उम्मीद है आपके सपोर्ट में, हमारे दर्शक सपोर्ट करेंगे आपको सब। और शिवा भाई आप जैसे म्यूजिक आप बनाते हो, तो मतलब क्वेश्चन होता है बहुत से बंदों का कि मतलब कितना कमा लेते हो, जैसे बहुत से कहते हैं कि यार नहीं यार कुछ नहीं मिलता, बस वीडियो बनाते रहते हैं ऐसे ही। तो एक बार थोड़ा सा बताओ कि भाई वीडियो बनाते हो तो मतलब आप अपना खुद का कितना कमा लेते हो आप? भाई देखो कमाई तो ऐसी है, अपना स्टार्टिंग है अभी, मतलब ज्यादा इतना वो ना है, पर अपना अपना खर्चा निकट जा बढ़िया, अपने जितने 100 का वे पूरे हो जा बस 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 बस। तो भाई जैसे ही मैं नया ही आया हूँ अभी भाई, इतनी कमाई कर ली अपने दम पे, अभी बलेनो गाड़ी लेकर आया काट के जी, बाकी अपने घर वाले खुश है, मतलब मेरे तो दिक्कत में नहीं है, कहीं ये नहीं कहते भाई तू नौकरी कर जी, अपना ये चीज तो भाई खुश है और बाकी अपने सपने पूरे होने लग रहे जी जी। तो शिव भाई एक गाने में कितना खर्चा आता होगा? भाई एक गाने में मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है, मतलब नॉर्मल 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 कितने लग जाए भाई पता नहीं लगती जी जी, वो तो हमारे ऊपर है बजट, हम कितना लगा रहे हैं, कितना भी लगा लो इस चीज में, कितने भी बड़े बड़े अपने साथ आर्टिस्ट ले लो, कितने भी बड़ी बड़ी गाड़ी, मतलब कुछ भी सेटअप बैठा लो अपने ऊपर है। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। तो शिवा भाई से मिलकर कैसा लगा आपको कमेंट में बताएं, और गाने इनके आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इनका यूट्यूब चैनल जाकर सर्च करना। शिवा भाई एक बार और थोड़ा बता दो यूट्यूब का नाम चैनल का, शिवा जाट रिकॉर्ड्स, शिवा जाट रिकॉर्ड जाकर सर्च करना, वहां पे आपको इनके म्यूजिक के काफी सारे म्यूजिक मिलेंगे। तो उन पे जाके गाना कैसा है कमेंट करें, और हमारी वीडियो पे भी कमेंट करें कि किस तरीके से आपको हमारा इंटरव्यू लगा। भाई का चैनल भी सपोर्ट करना यार, सारे भाई भाई मेहनत कर रहा, भाई भाई को भी सपोर्ट करना हमारे साथ में। तो चलो दर्शकों के साथ नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।